नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में कल तक तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। कड़ाके की इस ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। पूरा उत्तर भारत इस समय ठंड का अटैक झेल रहा है। लगातार गिरता पारा, कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजधानी में दिल्ली की सर्दी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। दिसंबर की शुरुआत से ही दिल्ली ठंड की चपेट में है। 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद दिल्ली वालों को ठंड का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। मौसम के अगर फोरकास्ट की बात करें तो अभी और ज्यादा ठंडे दिन आना बाकी है। जो 28 और 29 दिसंबर के दिन होंगे वो सबसे ठंडे दिन रह सकते हैं इस मौसम के, जब मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि 4 डिग्री के आसपास जो है मिनिमम टेम्परेचर जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 1961 के बाद दिसंबर के महीने में न्यूनतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया जा सकता है। पुराने रिकॉर्ड को देखते हैं तो 1961 में हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिसंबर का आता है उसका मीन निकालने पर वो हमारे पास 20 डिग्री का आता है, और उसका 1997 में ये टेम्परेचर 17.3 था, और इस समय जो हमारे पास टेम्परेचर चल रहा है वो कल तक का एवरेज 20.1 के आसपास था। और चूंकि हम लोग आगे भी इस तरह की कंडीशन उम्मीद कर रहे हैं तो वो लगभग 20 और 19 और 20 के बीच में आंकड़ा आएगा, तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये 1961 के बाद दूसरा सबसे सर्द महीना होने जा रहा है। श्रीनगर में ठंड से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कश्मीर में तो तापमान माइनस में पहुंचा हुआ है। मशहूर झील डल लेक जम गई है। झील के किनारे 2 इंच मोटी बर्फ जमी हुई है। इतना ही नहीं, पाइपलाइनों में भी पानी जमा हो गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ जम गई है। मेरे पीछे जो ये डल लेक के बाहरी किनारे हैं वो पूरी तरह से जम गए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये परत जो है बर्फ की इस पर जम गई है। आप देखिए कितनी मुश्किलों से इसको तोड़ा जाता है, और जहां जहां भी डल लेक के किनारे हैं वहां वो जम गए हैं। काफी करीबन 1 इंच की मोटी परत है जो यहाँ पर इस डल लेक के किनारों में जम गई है। श्रीनगर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। श्रीनगर में तापमान -5 डिग्री पर पहुंच गया है। गुलमर्ग में तापमान -11.7 डिग्री है। पहलगाम में -12.7 डिग्री, लेह में -18, तो द्रास में रिकॉर्ड तोड़ -30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे और मुगल रोड बंद है। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जयपुर के आमेर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड की वजह से कई वाहनों पर बर्फ की परत जम गई। ठंड का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर जयपुर में बर्फ जमने लगी है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान में तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है। खेतों में फसलों पर बर्फ जम गई है। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं माउंट आबू में भी पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। बुधवार रात को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया जो सुबह घटकर 1 डिग्री पहुंच गया। शहर के कई इलाकों में कारों पर बर्फ जमी नजर आई। सहारनपुर में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है। जिले में अगले आदेश तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। लखीमपुर खीरी में शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार पड़ी है। हड्डियां कपा देने वाली सर्दी की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। शहर में जगह जगह लोग अलाव के सहारे रात काटने को मजबूर दिखे। कड़ाके की इस ठंड से फिलहाल कोई राहत दिखती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तापमान और गिरेगा और कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब दिल्ली में हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में हिंसा करने वाले और हिंसा को भड़काने वालों को अब दंड देने का वक्त आ गया है। नागरिकता कानून पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में अशांति फैलाने की कोशिश की गई। गृह मंत्री ने कहा है कि विपक्षी दलों ने भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह किया है। दिल्ली की शांति को भंग किया गया। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, विपक्ष ने दिल्ली को, जनता को गुमराह कर दिल्ली की शांति को भंग किया। गृह मंत्री ने हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अब टुकड़े टुकड़े गैंग को दंड देने का वक्त आ गया है। संसद के अंदर चर्चा हुई, सब जगह चर्चा हुई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इधर उधर की बातें करते थे, बाहर निकलकर इसमें भ्रम फैलाना चालू किया और दिल्ली को अशांत। मैं कहना चाहता हूँ एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने दंड दिया। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने डीडीए की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। अमित शाह ने केजरीवाल सरकार के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल केंद्र की योजनाएं गिनाकर फायदा ले रहे हैं। बहुत सारे रह गए, समय कम है, लेकिन इतने सारे काम किए हैं। मुझे आज संतुष्टि इस बात की है कि जो मौका दिल्ली के लोगों ने हमको दिया था, हमने दिल्ली के लोगों की 24 घंटे रात दिन मेहनत करी। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत की, भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना, किसी का कराया कराया है, अपने नाम का थप्पा लगा देना। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाएगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। मोदी जी, हरदीप जी द्रुत गति से, स्पीड से काम करना चाहते हैं, मगर एक केजरीवाल झाड़ू सरकार जो है, ये बहुत बड़ा रोड़ा है। हर विकास के काम के अंदर रंगा लगाते। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। यूपी हिंसा पर केंद्र सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के समस्तीपुर में एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि यूपी हिंसा में कश्मीर से एक्सपर्ट पत्थरबाजों को बुलाया गया। कश्मीर से भाड़े पर आएंगे, यूपी में पत्थर बरसाएंगे। नागरिकता कानून को लेकर यूपी के अलग अलग शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। लखनऊ समेत कई शहरों में पत्थरबाजी की गई। यूपी को जलाने वालों पर सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि यूपी में हिंसा की साजिश प्रदेश के लोगों ने नहीं बल्कि यूपी से बाहर के लोगों ने की है। आज एक किसी समाचार पत्र के लिंक में आया है, किसमें, जो उत्तर प्रदेश में कश्मीर के एक्सपर्ट पत्थरबाजों को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया भाई? आग लगाई जा रही है कहीं कहीं। यहाँ के आवाम इस आंदोलन में नहीं, यहाँ के लोग उपद्रव नहीं कर रहे हैं। यूपी के लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, संभल, रामपुर और मेरठ में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में जो हिंसा और आग भड़काई गई, उसके लिए कश्मीर और पश्चिम बंगाल से एक्सपर्ट बुलाए गए थे। ये लोग जानबूझ करके भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं, जो इनका मंसूबा पूरा। दंगाइयों के ऊपर ईरान जैसा देश, उसने क्या किया मालूम है? उसने दंगाइयों को गोली मारा और गोली मार करके गोली का पैसा भी उससे वसूला। मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिसने देश की संपत्ति को जलाया है, अब उसे देश की संपत्ति का हर्जाना भी देना पड़ेगा।
जेडीयू ने कहा अगर बंगाल और कश्मीर से पत्थरबाज बुलाए गए हैं तो ये चिंता की बात है। वहीं विपक्षी दलों ने कहा कि हिंसा के मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूछा है कि पुलिस द्वारा फैलाई गई बर्बरता की जांच कब होगी। लोकतंत्र में असहमति होती है, लेकिन सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन में हिंसा का कोई स्थान नहीं। हम निकल के जा रहे थे मुजफ्फरनगर में, घर तोड़ रखा है, मीटर तोड़ दिया बिजली का, कह रहे देखो उसका घर टूट रहा है, वो कह रहे मेरी फोटो मत ले लेना वरना पुलिस मेरे घर पे आएगी, मैं उल्टा मैं जो है दंगाई साबित हो जाऊंगा। उनकी पुलिस लोगों के घरों में घुसकर प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, लोगों की मोटरबाइक्स गाड़ियां तोड़ रहे हैं, इस प्रकार के भी है। तो मोदी जी और आदित्यनाथ सरकार को उनके खिलाफ भी फाइन लागू करना चाहिए, ये दोहरी नीति क्यों। वहीं यूपी हिंसा को लेकर अब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। यूपी में उन लोगों को वसूली का नोटिस भेजा जा रहा है जो हिंसा में शामिल थे। रामपुर में उपद्रव में शामिल 28 लोगों को 14 लाख से ज्यादा की वसूली का नोटिस दिया गया है, लेकिन कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो इस रकम को चुका नहीं सकते। ना बलवे में थे ना कहीं पे नहीं थे वो, इसलिए कि मैं मोहल्ले में भेजते हुए, वो गरीब आदमी है। देखिए आप तीन पड़े हुए, आप सब तरफ को देख ली खुद, लेकिन अब हैसियत है नहीं, अब कहाँ से लेंगे हम। नागरिकता कानून को लेकर यूपी के कई जिलों में अभी भी तनाव है। बिजनौर में 28 दिसंबर तक इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नागरिकता कानून पर यूपी में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 1113 लोगों को गिरफ्तार किया है। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सरकार ने 372 लोगों को नोटिस भेजा। यूपी सरकार जुर्माना नहीं भरने वालों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले 120 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, जिस मोबाइल पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वो आपकी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक है। ये हम क्यों कह रहे हैं इसे समझने के लिए शाम 7 बजे देखिए आपके मोबाइल पर बड़ा खुलासा। और अब आगे बढ़ते हैं, सेना प्रमुख ने नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि कॉलेजों विश्वविद्यालयों में हिंसा भड़काने वाले नेतृत्व सही नहीं है। जनरल के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। हिंसा भड़काने वालों को जनरल का जवाब। नागरिकता कानून के नाम पर देश में भड़की हिंसा और उसे आग लगाने वालों को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने करारा जवाब दिया है। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नेतृत्व वो नहीं जो आजकल कॉलेज में दिख रहा है। नेतृत्व का मतलब वो होता है जो नेता सही दिशा में ले जाए, लोगों को सही राय दे। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध के नाम पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं वो लीडरशिप नहीं है। लीडर्स आर नॉट दोज़ who lead people in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice, and then ensures that you care for the people you lead. हिंसा का विरोध करने वाले सेना प्रमुख के बयान पर सियासत तेज हो गई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आर्मी चीफ को दफ्तर तक सीमित रहने की सीख दी है। ओवैसी ने यह भी कहा कि सेना प्रमुख सरकार को कमजोर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी को अपने दायरे में रहकर बोलना चाहिए। आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था,
तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान वो भी गलत है, फिर ये तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, तो सरकार की बेइज्जती हो रही इस तरह का बयान देकर। हर नागरिक का भी दायरा होना चाहिए, ये ओबीसी जो संविधान को मानते हैं क्या, सदन के अंदर में संविधान के बहस संशोधन पर तो करते हैं। वही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जी न्यूज का जागरूकता अभियान लगातार जारी है, देश भर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और लोगों की मांग पर हमने एक नया नंबर भी शुरू किया है। आप भी इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके नागरिकता कानून पर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं। 77 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक इस कानून के पक्ष में अपना मिस्ड कॉल दिया है और आप भी जुड़ सकते हैं इस मुहिम में और आप भी मिस्ड कॉल कीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौट रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संघ भारत की 130 करोड़ आबादी को हिंदू समाज के रूप में मानता है, चाहे उनका धर्म और संस्कृति कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति से परे जो लोग राष्ट्रवादी भावना रखते हैं और भारत की संस्कृति और उसकी विरासत का सम्मान करते हैं वो हिंदू हैं। संघ प्रमुख के इस बयान पर AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख चाहते हैं कि मुल्क का मजहब एक हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैं हिंदू कहता हूं तब किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसके पीछे तीन बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भगवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आईन बनाया है, उसके मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है, ये इनका सोच है। आरएसएस की सोच यही है कि इस खूबसूरत मुल्क का एक ही मजहब बनाकर रख दिया जाए, जो नहीं हो सकता जब तक संविधान है। तो मोबाइल आपकी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। दिन भर में मोबाइल पर कितना वक्त आप बिताते हैं और ये मोबाइल आपको कितना नुकसान पहुंचाता है, इसे समझने के लिए शाम 7 बजे देखिए आपके मोबाइल पर बड़ा खुलासा। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, आज पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सूर्य ग्रहण को देखा। प्रधानमंत्री की सूर्य ग्रहण की तस्वीर पर मीम बनाने वालों को भी मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य ग्रहण देखने की ये तस्वीर शेयर की तो कुछ ही देर में ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक यूजर ने लिखा, दिस इज बिकमिंग अ मीम, मतलब ये मीम बन रहा है। पीएम मोदी ने उसे रीट्वीट किया, लिखा, आपका स्वागत है, मजे करें। पीएम मोदी का ये जवाब भी तुरंत सोशल मीडिया पर छा गया। दरअसल सोशल मीडिया पर बनने वाले ऐसे मीम प्रधानमंत्री को खूब आकर्षित करते हैं। इसी साल अप्रैल महीने में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसी क्रिएटिविटी अच्छी लगती है। जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है, इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, हमारे मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे आपसे मिले, तो सबके चेहरे पे हाथ लगा दिया जय श्री राम। ये आपने देखा? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने।
तो ये रोहित शेट्टी जो है ये एक्शन डायरेक्टर हैं बीच नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उनका इतना असर पड़ा सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने निकल पड़े, तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ, मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, ये बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा उसने। तो कोई आपकी आलोचना करे तो फिर भड़किए नहीं बल्कि उसे पॉजिटिवली लेना सीखिए। और इससे पहले कि ब्रेक पर जाएं, जो हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है नागरिकता कानून को लेकर, जबरदस्त रिस्पांस हमें मिल रहा है, 78 लाख की जो सीमा है वो अब क्रॉस हो चुकी है, और अगर अभी तक आप इस अभियान में शामिल नहीं हुए हैं तो मिस्ड कॉल दीजिए और समर्थन कीजिए नागरिकता कानून का।